गुलबर्गा शहर में मौजूद यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा मैनेजिंग कमेटी के टर्म्स खत्म होने पर यह कमेटी डिसॉल्व हुई है और अब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ को 3 महीने के लिए केयरटेकर बनाया गया है। यानी अब दोबारा इलेक्शन होने तक यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा में वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ केयरटेकर रहेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात कर यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी के सदस्य जनाब मजहर हुसैन एडवोकेट ने बताया, इनकी सदारत में साल 2019 में ये कमेटी तश्कील दी गई थी। 3 साल में एक बार यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन होते हैं। इस मौके पर मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, 2019 में नई कमेटी बनने के सिर्फ 3 महीने बाद कोविड शुरू हो गया था और कोविड में पूरे 2 साल ऐसे ही चले गए और बचा हुआ 1 साल ही कमेटी यतीमखाने के लिए काम कर पाई है। और सिर्फ 1 साल के दरमियान यतीमखाना मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मजहर हुसैन एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट वाहिद अली फातेह खानी, सेक्रेटरी डॉक्टर खमरुज्जमा इनामदार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद मौजम अली और मेंबर्स में रफीउद्दीन इंजीनियर, इस्माइल कारीगर, निसार अहमद वजीर, जब्बार गोरा एडवोकेट और फारूक पंजा ने मिलकर काफी कुछ डेवलपमेंट किया है जो आज काबिल तारीफ है। पूरे कर्नाटक इलाके में मौजूद वक्फ इदारों में गुलबर्गा शहर का यतीमखाना वाहिद एक ऐसा इदारा है जहां ऑडिट रिपोर्ट से लेकर वोटर लिस्ट, प्रॉपर्टी और दीगर तमाम एक्टिविटीज और डेवलपमेंट को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आवाम के सामने पेश किया जाता है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने बताया, इनकी सदारत में स्कूल इंप्रूवमेंट के अलावा स्मार्ट क्लासेस, स्टडी सेंटर, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी और दीगर कई डेवलपमेंट किए गए हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ को केयरटेकर बनाए जाने पर मीडिया से बात कर मजहर हुसैन एडवोकेट ने बताया, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का यह ऑर्डर है कि आने वाले 3 महीने के अंदर यूनानिमसली इलेक्शन के जरिए नई कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज यहाँ पर यतीमखाने अंजुमन अंसारुसफा में डिस्ट्रिक्ट वफ ऑफिसर जो रिसेंटली यहाँ पर उनको केयर टेकर की हैसियत से उनको अपॉइंट किया गया है और आज हमने वो हज़रत अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट वफ ऑफिसर है उनको चार्ज हैंडओवर किया है। ये कमेटी जो मौजूदा कमेटी थी वो 22 अगस्त 2019 को चार्ज ली थी और 3 महीने में ही कोविड आ गया। कोविड आने के बाद 2 साल कोविड में चले गए और ये हमारी ये जो कमेटी है ये कमेटी को सिर्फ 1 साल का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 साल में हमने बहुत सारे अच्छे काम यहाँ पर किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, हमारा स्कूल इम्प्रूव हो गया है, स्टडी सेंटर बना है, रीडिंग रूम बना है, लाइब्रेरी बनी है, बहुत सारे मुख्तलिफ तमाम गुलबर्गा की आवाम जानती है कि यतीमखाने में बहुत अच्छे काम हुए हैं। लेकिन हमको जो वक्त मिलना था ये कमेटी को मुकम्मल 3 साल, वो पूरे मुकम्मल 3 साल हमको नहीं मिले, सिर्फ 1 साल में, यानि अगस्त 2022 को यह टर्म ख़त्म हो गया। 2 अगस्त 2022 से लेकर आज तक हम सिर्फ डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो यहाँ के बच्चों के स्कूल के ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें देना होता है उसके लिए ये कमेटी थी अब तक। लेकिन अब वहाँ पर बोर्ड ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेके केयरटेकर के तौर पर हज़रत अली साहब को अपॉइंट किया है। इस 3 साल ये जो कमेटी का जो टर्म था वो टर्म में तमाम जितने भी मेंबर्स हैं यतीम खाने के मेंबर्स, 9 मेंबर्स, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहले तो मुझे एनोनिमसली मुझे यहां पर सदर चुना और सदर चुनने के बाद यहां पर जो डे टू डे जो काम होते थे, डेवलपमेंट होते थे, पूरे नौ के नौ मेंबर्स मुझे कॉपरेट किए हैं और एतमाद किए हैं, क्योंकि ये इदारा एक बहुत अहम इदारा है गुलबर्गा शहर के लिए। तो यहाँ पर कई सालों से काम पूरे रुक गए थे, कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, लेकिन ये 2015 से जो कमेटी आई है, 2015 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर यतीमखाने में डेवलपमेंट हो रहे हैं।
तो जिसके लिए मैं तमाम नौ मेंबर को, पूरे मेंबरों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छा कॉपरेट रहा, हम बहुत अच्छा मिलके एक मुत्तहिद होकर हम लोगों ने यतीम खाने के हक में, यतीम खाने के इदारे के लिए हम काम किए हैं। तमाम जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे जितने भी जो मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, यतीम खाने के जितने भी वोटर्स हैं, मैं उनको खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे हाईएस्ट वोट मुझे दिया था एक भरोसे से कि वहां पर मजर को भेजना बहुत जरूरी है, और उनका जो भरोसा था, उनका भरोसा बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा बर्डन हमें मेरे शोल्डर पे था। ईमानदारी के साथ पूरी पूरी लाइफ में, अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी के साथ निकाला हूं। आप लोगों का जो भरोसा था, अगर मैं यहां पर अगर एक अगर गलती अगर करता हूं तो जितने भी वोट डालते हैं वो लोग भी गुनहगार होते हैं, ये मेरा बहुत हमारे पर, मेरे पर और नौ मेंबर के पूरे उनके ऊपर बर्डन था, जिसके लिए तमाम नौ मेंबर हमारे जितने भी लोग यहां पर हैं अखट ठहरे हुए हैं, और जो और दो मेंबर हैं निसार अहमद वजीर और रफीउद्दीन साहब, दो लोग नहीं हैं, पूरे मेंबर यहां पर काम किए हैं। हम जो यहां पर चाय या फिर हम खुद पीते हैं, और हम हमारे पैसों से चाय, हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंट्रीब्यूट कर कर अपने पैसों से चाय पीते भी हैं, दूसरों को चाय पिलाते भी हैं। यहाँ यतीम खाने से हम ना चाय किसी को हम पिए ना किसी को चाय पिलाए, तो जो भी पैसा है हमारे जो एक्सपेंडिचर, यहाँ तक के फंक्शन में जो आते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको चाय या पानी भी अगर पिलाते हैं तो वो हमारे पैसों से हम उनको चाय पिलाते हैं, यतीम खाने से हम पैसे नहीं लेते। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होते हैं, एनुअल डे फंक्शंस होता है स्कूल का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एनुअल डे, हमारे बच्चे जो है कम फीस में, मिनिमम फीस में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब हमारे पास, स्टडी सेंटर है, तो और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे यतीम खाना का स्टाफ भी अच्छा है। मैं तमाम हेडमिस्ट को, टीचर्स को, हमारे यतीम खाने के स्टाफ को, वार्डन को, उनको तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका भी बहुत बड़ा कॉपरेट रहा ये कमेटी के साथ, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अब जो हजरत अली साहब जो केयर टेकर के तौर पर यहाँ यतीम खाने में उन्होंने चार्ज लिए हैं, उनको सिर्फ 3 महीने के वक्त के लिए केयर टेकर के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 3 महीने, और साथ ही साथ बोर्ड ने उनको डायरेक्शन भी दिया है कि 3 महीने के अंदर नई कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का वो ऑर्डर उनके साथ उनके पास है। उनसे गुजारिश करता हूँ, वरना क्या होता है अक्सर जो भी वक्फ इदारे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा ही चलता रहता है। तो हमने आज तमाम मेंबरों ने उनसे बात की, 3 महीने का वक्त अगर दिए हैं तो 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए और नई कमेटी को तश्कील करने की जो भी कोशिश है आप कीजिए बोलकर हमको बोले हैं। उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द करेंगे। तो हम तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं, इस्माइल कारीगर साहब, हमारे खास तौर पे सेक्रेटरी साहब, स्कूल के जो मामले होते हैं वो पेश पेश रहकर बहुत ही अच्छा काम, मैं यहाँ पर खास तौर पे मैं सेक्रेटरी साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खमरुज़मा साहब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है बहैसियत सेक्रेटरी, एक तजुर्बा रखते हुए, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट है यहाँ पर, यह वक्त में एक एजुकेशनिस्ट की सख्त ज़रूरत होती है। स्कूल के मामले होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं खास तौर पर मैं इनको खमरुज़मा इनामदार साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे वाहिद भाई, वाहिद अली फातेह खते, उन्होंने नायब सदर है, उन्होंने जितने भी मामले थे ऑफिशियल जो पॉलिटिकली रिलेटेड थे, हमारे वाहिद अली साहब जो है उन्होंने बहुत मदद की। एक टीम जो है, इस्माइल भाई है हमारे बॉम्बे, नई ये नई दो दो फारूक पंजा और मौसम अली साहब, ये दो मेंबर नए थे, ये दो मेंबर नए थे क्योंकि आने के बाद जितने भी सुपरवाइजिंग थी यहाँ पर रिसेंटली जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पर एक रूम हम एविक्शन करे थे, कब्जा लिए वहाँ पर, वहाँ मसला था, और यहाँ पर जो बच्चों की जो जिम्मेदारी थी हॉस्टल की, ये दो लोग मिलकर बच्चों की जो भी ज़रूरत होती थी, एक पेंसिल भी अगर कम पड़ रहा है तो ये फारूक पंजा और मौज़म अली साहब वहाँ पर रात के 1 बजने दो, 12 बजने दो यहाँ पर आकर इनको वक्त देकर बच्चों की मदद करने का काम ये दो के हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अब्दुल जब्बार गोला हैं, वो एक एडवोकेट हैं, और हमेशा जब्बार भाई जब भी कोई भी प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं यतीम खाने के अंदर, वो तमाम प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना, बच्चों की हिम्मत अफजाई करना, बच्चों को एनकरेज करने का काम हमेशा, साथ ही साथ मैनेजमेंट को, मैनेजिंग कमेटी के अंदर जब भी अगर कुछ ऐसा मशवरे की बात आती है तो तनखीद भी होती थी और होना भी चाहिए तनखीद, और मैं तनखीद को मैं एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो तनखीद के साथ साथ वो एक
जो काम करने का उनका यह अब्दुल जब्बार गोला का, मैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ। अब्दुल जब्बार गोला साहब हमारे रफ़ी भाई, क्योंकि साबिका सदर थे, उनसे मुझे बहुत तजुर्बा मिला, उनको जब जब भी ज़रूरत पड़ती थी, रफ़ी भाई एशियन बिल्डर, उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया। निसार अहमद वज़ीर साहब ने भी बहुत कॉपरेट किया, उन्होंने जब जब भी कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ी, स्कूल के रिलेटेड कुछ भी मामला था, तो निसार भाई भी जो है हम बहुत मुझे गाइड किए हैं। तमाम बहरहाल पूरे 9 मेंबर, जितने भी 9 मेंबर हैं, वो तमाम लोग मिलके गाइड करे हैं, बहुत अच्छा काम यहाँ पर करे हैं। तमाम वोटरों का, तमाम गुलबर्गा के आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई केयर टेकर बनाना क्या जरूरी था जब आपकी कमेटी के तहत एक प्रेजेंस में जब काम होगा, तो ये 3 महीने के लिए क्या कंपल्सरी ऐसे कोई नॉर्म्स है या फिर ऐसे नॉमिनेट केयर टेकर बनाया? नहीं, वैसा तो कोई नॉर्म्स एक्ट के अंदर क्लियर नहीं है। एग्जिस्टिंग कमेटी को रख कर भी इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों क्या डिसीजन लिए। लेकिन मोटी मोटी बात जो है वो लोग मेरे सामने, क्योंकि मैं कानूनदा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं एक्ट पढ़ चुका हूँ और वक्फ रूल्स भी पढ़ चुका हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन बायलॉज का हवाला देकर, बायलॉज जो अप्रूव्ड बायलॉज जो है हमारे अप्रूव्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से ये कमेटी को रख कर हम इलेक्शन ऑफिसर को नहीं कर सकते, ये उनकी बात थी। तो बायलॉज जो ओल्ड बायलॉज है हमारा, बहुत पुराना बायलॉज है, जिसमें वो अमेंडमेंट होने के लिए हम ये कमेटी प्रपोजल भेजी थी, लेकिन वो बायलॉज अप्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से मजबूरन केयर टेकर के तौर पे हजरत अली साहब को वहाँ पर, केयर टेकर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। केयर टेकर बोले तो सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें जो होना है बच्चों के लिए, उनके स्कूल फीस के लिए, उनके जो भी डे टू डे उनके खाना रहता पीना रहता, उनके जो भी ज़रूरत के रहते हैं, वो चीज़ों के लिए केयर टेकर है हम, उसके लिए ये करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन को मैं, हमारा टर्म तो ख़त्म हो गया ना, हमारा अगस्त 2022 को ही हमारा टर्म ख़त्म हो गया, और टर्म ख़त्म होने से 3 महीने पहले हमको लेटर लिखे, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। टर्म ख़त्म होने के बाद भी 5 मरतबा उनको लेटर लिखे, इलेक्शन ऑफिसर नहीं किए, डायरेक्ट केयर टेकर को अपॉइंट किया। खैर कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखते रहेंगे, इत्मीनान रहिए। तमाम जितने भी वोटर्स हैं, वोटर्स में भी एक ये है मजर भी, ऐसा केयर टेकर अगर करे तो कैसा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम अभी भी ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं, केयर टेकर भी रहे तो हम उसकी देखभाल यहाँ पर बराबर डेली आकर देखते रहेंगे, तो आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे कंटिन्यूसली फोन आ रहे हैं कि वो कैसा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, केयर टेकर कैसा है, ये सवाल हो रहे हैं। किसी को भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, हम ये टीम अच्छी मजबूत टीम है, आप लोग भी हैं, हम तमाम लोग मिलकर देखेंगे। देखिए, जब से आपकी कमेटी बनी है तो काफी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने में आया यतीम खाने का, यानी बच्चों के फ्यूचर को लेकर, फिर उनके रोजमर्रा की एक्टिविटीज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। यानी एक सवाल लोगों का ये पैदा होता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी जो होती है कि भाई जो डेवलप हो रहा है यतीम खाने में, इसका खर्च कितना है, आउट गोइंग कितना है, इनकमिंग कुछ है, या फिर ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी कुछ अगर आम इंसान को देखना है तो क्या करना? देखिए, हमारे बहुत अच्छा सवाल किया आप। पूरे कर्नाटक का स्टेट में शायद ही ये यतीम खाना एक वाहिद इदारा है जो हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो रिपोर्ट हम ना सिर्फ जो मेंबर्स हैं यतीम खाने के 1400 मेंबर उन तक पहुंचाते हैं, बल्कि वेबसाइट के अंदर हम डाल देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर। तो www.ykesglb.com अगर क्लिक करेंगे, या यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफा गुलबर्गा अगर गूगल पे अगर सर्च करेंगे, तो ये इदारा आपके आंखों के सामने आ जाएगा, और पूरे एक्टिविटीज वो वेबसाइट के अंदर है। यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा आपको, वहाँ पर वोटर लिस्ट मिलेगी, कितनी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल उसके अंदर मिलेगा, हमारे यतीम खाने के जो जो भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर वहाँ पर अपडेटेड है, किसी भी इदारे में नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंसी के तौर पर हम रखे हैं, कोई भी वक्फ इदारा रहने दो, कोई भी प्राइवेट इदारा भी, जैसे बैतुल माल होते हैं, वो लोग भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते। अगर बैतुल माल जैसे जितने बहुत सारे बैतुल माल हैं, अगर वो लोग भी अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे वेबसाइट में, लोगों का अगर मंजर आम पे लेंगे, तो मैं खुद डोनेशन देने के लिए आगे आएगा। तो मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि एक बेहतरीन इदारा यहाँ पर है। आने वाले दिनों में रमजान है, रमजान के महीने में आप ज़कात का कुछ हिस्सा इस यतीम खाने को देकर, यतीम खाने को ये मत सोचिए कि किराया बहुत आता है, किराया आने दो, किराया आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो नाकाफी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको दूसरी मदद नहीं है, हमको अगर इदारा अगर बढ़ाना है तो ये किराया हमारे को नाकाफी है।
आप डोनेट कीजिए, टोटल ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। जो भी अगर डोनेट करना चाह रहे हैं आप, जकात का कुछ हिस्सा देना चाह रहे हैं या कुछ भी अगर देना चाह रहे हैं, तो वो स्कैनिंग है वेबसाइट के अंदर देखिए, या नहीं तो ऑफिस में आकर डोनेट कर सकते। अब ये जो केयर टेकर बनाया गया, आप लोगों में तो एक कंफ्यूजन सा होगा कि भाई कुछ लोगों को तो मालूम नहीं ये नॉर्म्स है या नहीं है, लेकिन अब ये केयर टेकर कितने वक्त तक ये रहेंगे, फिर उसके बाद क्या ये कमेटी, फिर से कोई कमेटी कायम होगी या इलेक्शन होगा, ये क्या थोड़ा सा? तीन महीने के लिए उनको केयर टेकर के हैसियत से उनको अपॉइंट किया गया है। 3 महीने के अंदरून ऑर्डर है कि नई कमेटी को तश्कील देने के लिए इलेक्शन या सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन मतलब अगर 9 लोग अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो एनोनिमस हो जाता है, 10 अगर होते हैं तो फिर इलेक्शन होता है, 9 से 1 आदमी भी ज्यादा है तो इलेक्शन होता है। यह सिलेक्शन या इलेक्शन बोलकर बोल रहे हैं, एनोनिमस तो करो या ना तो इलेक्शन करो। बहरहाल 3 महीने के अंदर नई कमेटी को तश्कील देने का हुक्म कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने जारी किया है और उम्मीद है कि 3 महीने में इलेक्शन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ मुझे अभी हम बात किया है तो देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।